सब्सक्राइब कीजिए महेश टेक्निकल चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश, आप देख रहे हैं महेश टेक्निकल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप किस तरह से अपने किसी भी एंड्रॉइड फोन के लिए कस्टम रोम को बिल्ड कर सकते हैं या फिर कंपाइल कर सकते हैं फ्रॉम द सोर्स। तो गाइस, इस वीडियो में मैं एंड्रॉइड फोन का ही यूज करूंगा, मैं अपने ही फोन का यूज करके अपने ही फोन के लिए कस्टम रोम बनाऊंगा। तो यही मेथड आप सभी फोन के लिए अप्लाई होगी, तो इसे लेके एंड तक पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप रोम को कंपाइल कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप रोम कंपाइल करके आप अपने एंड्रॉइड फोन में इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। तो गाइस, कैसे करना है वो मैं सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताने वाला। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर एक आर्टिकल लिखा है, तो यहाँ आर्टिकल में आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी की पूरी प्रोसेस यहाँ पर लिखी हुई मिल जाएंगी। सारे यूजफुल कमांड्स, पैकेजेस सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए और इस डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको इस पोस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो इसे रीड करके भी आप डायरेक्टली सीख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले जो हमें चीज है करनी है इस वीडियो में, आपको बताऊंगा सर्वर को क्रिएट करना और उसे अपने फोन में कनेक्ट करना। तो उसके लिए आप AWS या फिर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट अजूरे का यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर सर्वर इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारा फ़ोन इतना कैपेबल नहीं है कि वो रोम कंपाइल कर सके, इसलिए हमें वर्चुअल मशीन चाहिए रोम को कंपाइल करने के लिए। तो यहाँ पर मैं AWS का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको सिंपली रजिस्टर करना होता है और आपको सर्वर के लिए यहाँ पर सर्वर्स मिल जाते हैं क्रिएट करने के लिए। तो जैसे आप लॉगिन करोगे आपका अकाउंट क्रिएट करने के बाद, यहाँ पर आपको जाना है सर्विसेज में, यहाँ पर आपको जाना है EC2 में। तो EC2 के अंदर आपको वर्चुअल मशीन्स मिलेंगे, तो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। तो ये मेथड आप गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म या फिर माइक्रोसॉफ्ट अजूरे में भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पर आपको इंस्टेंस मिल जाएंगे, थोड़ा वेट करते हैं। तो यहाँ पर जो हम इंस्टेंस यूज़ करेंगे, वर्चुअल मशीन यूज़ करेंगे, उसका नाम है Ubuntu। तो यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए Ubuntu, ये भी एक लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि काफ़ी अच्छा है और मैं हमेशा इसे ही यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे Ubuntu 16.04। तो अगर आप भी मेरी ट्यूटोरियल का यूज़ कर रहे हैं तो आप भी 16.04 ही यूज़ करें, मैं यही आपको रेकमेंड करूंगा। तो यहाँ पर आपको फ्री ट्रायल मिलता है, तो मैं यहाँ पर फ्री ट्रायल यूज़ नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं पेड सर्विस यूज़ करूंगा जो कि 8 CPU और 32 GB रैम का वेरिएंट में यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो आप फ्री ट्रायल अगर यूज़ करेंगे तो गाइस कंपाइलिंग में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे क्योंकि वहाँ पर आपको स्टोरेज कम मिलेगी, ठीक है, और आपका रैम और CPU भी कम होगा। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट जाएंगे और फिर से नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो डिस्क है, डिस्क स्पेस है वो 8 GB है, तो इसे मैं 200 GB कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करके 200 GB कर देता हूँ। तो ये गाइस, ये जो इंस्टेंस है वो पेड है, तो ये फ्री नहीं है। और अगर आपको फ्री चाहिए तो आप गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म या फिर माइक्रोसॉफ्ट अजूरे का यूज़ कर सकते हो, वहाँ पर आपको क्रेडिट्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको कोई क्रेडिट्स नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको सिक्योरिटी ग्रुप में कस्टम मिलेगा, तो यहाँ पर आपको एनीवेयर कर देना है तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं और सब सारी चीज़ें यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, नेक्स्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको की पेयर क्रिएट करना है और उसे डाउनलोड भी करके अपने मोबाइल फ़ोन में रखना है। तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है की पेयर, मेरे 2 की पेयर हैं यहाँ पर, तो इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ और लॉन्च कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपका इंस्टेंस जो है वो लॉन्च हो चुका है, यानी कि हमारी वर्चुअल मशीन्स लॉन्च हो चुकी है। तो इसे अब हमें अपने एंड्रॉयड फ़ोन में कनेक्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमारा इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है और ये रनिंग मोड पर अभी नहीं है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको रिफ्रेश मिलेगा, तो जैसे आप रिफ्रेश करेंगे आप देख सकते हैं ग्रीन हो गया, रनिंग मोड पर आ चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पर सारी ऊपर की तरफ डिटेल देख सकते हैं और नीचे भी सारी डिटेल देख सकते हैं। तो अब आपको ज़रूरत है आपकी पब्लिक आईपी एड्रेस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी पब्लिक आईपी एड्रेस आपको नीचे की तरफ मिल जाएगी, दिखा देता हूँ मैं आपको, देख सकते हैं पब्लिक आईपी। तो इसी आईपी एड्रेस को आपको कॉपी करना है, तो चलिए हम लोग कॉपी कर लेते हैं इस आईपी एड्रेस को। तो ये मैंने यहाँ पर आईपी एड्रेस को कॉपी
कर लिया। ओके, तो अब आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है JuiceSSH। तो इस एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे ओपन कीजिए, कनेक्शन टैब में जाइए, प्लस आइकन पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स पूछेगा, तो मैं यहाँ पर प्लस पे क्लिक करता हूँ। तो नेम में आप ऑप्शनल है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पर AWS दे देता हूँ। उसके बाद टाइप में SSH ही रहने देना है। एड्रेस में आपको आपका IP एड्रेस को पेस्ट करना है, ध्यान रखिए आपको आपका IP एड्रेस पेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी, तो एड न्यू पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पर भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप नेम में भी AWS ही लिख दीजिए। उसके बाद आपको यूज़र नेम है वो स्मॉल में Ubuntu लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल में Ubuntu लिखना है। उसके बाद पासवर्ड की में जाना है आपको, और यहाँ से आपको आपकी की पेयर सिलेक्ट करनी है जो आपने पहले डाउनलोडेड की थी और जिससे आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट की है, तो वो की पेयर आपको सिलेक्ट करनी है यहाँ से। तो मैं यहाँ पर मेरा की पेयर सिलेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ, और यहाँ पर ऊपर की तरफ सेव कर देता हूँ, फिर से एक बार सेव कर देता हूँ। उसके बाद हम अपने मशीन को ऑन करेंगे एक बार क्लिक करके, तो यहाँ पर देखिए ये कनेक्ट हो गया और हमारा वर्चुअल मशीन जो है वह एंड्रॉयड फ़ोन के साथ कनेक्ट हो चुका है। बिल्ड एनवायरनमेंट सेट कर सकते हैं अपने वर्चुअल मशीन में, तो वो क्यों ज़रूरी है और वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। बिल्ड एनवायरनमेंट सेट करना यानी कि पैकेजेस को इंस्टॉल करना जो हमें रोम कंपाइल करते वक्त काम आएंगी। तो गाइस अभी हमने जो नई मशीन बनाई है उसमें तो कोई पैकेजेस इंस्टॉल नहीं किए थे, तो अब हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर अब मेरे आर्टिकल के तरफ जैसे ही आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेटिंग अप बिल्ड एनवायरनमेंट, तो आपको उस पर क्लिक करना है और आप आ जाएंगे थर्ड पॉइंट पे। तो गाइज फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट हम पिछले ही वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वो वीडियो देख लीजिए। तो अब हम सेटिंग करते हैं, तो कुछ नहीं करना है गाइज, सारे कमांड्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, सिंपली कॉपी पेस्ट करना है वन बाय वन। तो फर्स्ट कमांड हमने कॉपी कर लिया है जिससे हमें सुपर यूज़र परमिशन मिल जाएगी और एंटर कर दीजिए, ठीक है। सेकंड कमांड से हमें JDK इंस्टॉल हो जाएगा हमारे सिस्टम में, तो JDK इंस्टॉल होता है जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है। तो इसे हम इंस्टॉल करेंगे और एंटर करेंगे, और ये फिर से एक बार बोल रहा है कि एंटर कर दीजिए, तो एक बार और एंटर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड कमांड हम कॉपी कर लेते हैं, ये apt-get अपडेट यानी कि सारे पैकेजेस को अपडेट कर देगा जो भी आपके सिस्टम में है, उन सभी पैकेजेस को अपडेट कर देगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो थोड़ा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हमें पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, तो इतने सारे पैकेजेस हमें लगेंगे, तो हम यहाँ पर सिंपली कॉपी कर रहे हैं और पेस्ट करके एंटर कर देना है। तो ज़रा ज़्यादा पैकेजेस हैं तो थोड़ा टाइम लेगा, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके गाइस, तो फाइनली पैकेजेस हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ, तो नेक्स्ट कमांड है एग्जिट कमांड, जिससे हमारा सुपर यूज़र परमिशन चला जाएगा और हम आ जाएंगे यूज़र परमिशन पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ डाल के, एंटर, ओके। इसके बाद यहाँ पर आना है नेक्स्ट कमांड कॉपी करना है, तो नेक्स्ट कमांड हमें बिन डायरेक्टरी क्रिएट करनी होती है, तो वो हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से, एंटर, फिर से जाते हैं और सेकेंड कमांड को कॉपी करते हैं, तो इसे भी हम कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। जो भी इसका मतलब है मैंने वेबसाइट पर लिखा हुआ है आर्टिकल में, आप पढ़ लीजिएगा, एक एक करके बताऊंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, वही आपको भी करना है, तो आपकी मशीन रेडी हो जाएगी कंपाइल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हो चुका है, उसके बाद यहाँ पर हम इसे कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट कमांड को। हम यहाँ पर अखिल नारंग की स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे कंपाइल करने के लिए, अगर आपको मैन्युअली भी करना है तो आप गूगल से कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हैं, लेकिन अखिल नारंग की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, मैं हमेशा यही यूज़ करता हूँ और काफ़ी अच्छी है और हमेशा वर्क करती है और परफेक्ट रॉम क्रिएट करके आपको दे देती है, तो ये भी अच्छी एक चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी स्क्रिप्ट है, तो इसे हम क्लोन कर लेते हैं, क्लोन करना यानी डाउनलोड करना आप बोल सकते हैं ऐसे, देखिए
कुछ नहीं करना है, कमांड कॉपी पेस्ट करते जाना है और कुछ यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पर हम सीडी स्क्रिप्ट में जाएंगे, उस डायरेक्टरी में जाएंगे। तो डायरेक्टरी में जाने के लिए सीडी कमांड यूज़ होता है, तो ऐसे ही मैं आपको बताता जाऊँगा कि कौन से कमांड कब कब यूज़ होते हैं, तो आप सीख जाएंगे। तो ये लास्ट कमांड है बैश कमांड, तो ये डालने के बाद आपकी मशीन जो है वह रेडी हो जाएगी। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, इसे ये कमांड डालने के बाद आपको पेस्ट करके एंटर करना है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा, तो थोड़ा वेट कीजिए जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती। ओके गाइस, तो यहाँ पर देखिए ये नेम पूछ रहा है, तो नेम हम कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ एंटर एंटर करना है नेम, और ईमेल पूछेगा तो कुछ नहीं देना है, एंटर एंटर कर देना है खाली। उसके बाद ये वापस अपनी प्रोसेसिंग को स्टार्ट कर देगा, तो थोड़ा वेट कीजिए, ये कंप्लीट होने ही वाला है। ओके गाइस, तो फाइनली हमारा जो मशीन है वो सेटअप हो चुका है और हमारे सारे पैकेजेस वगैरह सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हमारा मशीन रेडी है कोई भी रोम कंपाइल करने के लिए। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ ls करके, देखिए पैकेजेस आ चुके हैं। तो cd कमांड से हम चले जाते हैं अपनी होम डायरेक्टरी में। तो यहाँ पर आपको ls करके दिखा देता हूँ, देखिए bin फोल्डर आ चुका है, तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। तो अब हम एक और फोल्डर क्रिएट कर देते हैं हमारे प्रोजेक्ट के लिए, हमारे रोम के लिए। तो मैं बनाने वाला हूँ lineageOS का रोम, तो इसलिए मैं mkdir कमांड यूज़ करूँगा, मैं एक डायरेक्टरी वाला, तो वो मैं फोल्डर बना लेता हूँ। तो आपको ls करके दिखा देता हूँ, देख सकते हैं lineage का फोल्डर भी अब यहाँ पर बन चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलते हैं हम अपने आर्टिकल की तरफ, और आर्टिकल की तरफ जाने के बाद मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में हमने बिल्ड एनवायरनमेंट को सेट किया था, राइट, सारे पैकेजेस को इंस्टॉल किया था। तो अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये हमारा है वो ये है कि हमें करना है GitHub अकाउंट क्रिएट। तो आपको सबसे पहले GitHub पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो ये एक वेबसाइट है जहाँ पर सारे रिपोजिटरीज आपको मिल जाती हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको जाना है गूगल पर और यहाँ पर आपको लिखना है github.com। तो जैसे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको साइन अप पेज मिल जाएगा, आप क्रिएट कर लेना। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, इसलिए मैं यहाँ पर क्रिएट नहीं करूँगा। सिंपली आपको साइन अप पे क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर लेना है। इसका यूज़र नेम और ईमेल आईडी आपको यूज़ होगा नेक्स्ट स्टेप के लिए। ओके, तो अब हमें क्लोन करना है यानी कि डाउनलोड करना है रोम सोर्स। तो रोम सोर्स क्या होता है गाइस, एक पूरा पैकेज होता है रोम का, उसके अंदर आप कोई भी डिवाइस का रोम बना सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या क्या करना है, कमांड्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको जाना है अपने रोम डायरेक्टरी में। तो हमने ऑलरेडी रोम डायरेक्टरी क्रिएट की है जिसका नाम है लाइनेज। तो उस रोम डायरेक्टरी में आपको जाना है इस नेक्स्ट कमांड का यूज करके, जो है cd lineage। तो आपने जो भी रोम डायरेक्टरी बनाई है उसमें आपको जाना है cd कमांड का यूज करके। तो मैं यहाँ पर चला जाता हूँ और टैब दबा देता हूँ, तो देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपनी रोम डायरेक्टरी में। अब आपको क्या करना है, अब आपको कमांड फॉलो करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आपको कमांड दिखेगा ये वाला, तो ये वाले के लिए आपको यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर कैपिटल के अंदर आपको ईमेल लिखा हुआ दिखाई देगा। तो इस ईमेल के जगह पर आप अपना GitHub अकाउंट का ईमेल एड्रेस और नीचे आपको दिखेगा यूज़र नेम, तो आपका GitHub अकाउंट का यूज़र नेम आपको डालना है। ध्यान रखिए आपका यहाँ पर आपको रिप्लेस करना है आपके ईमेल आईडी से और आपके यूज़र अकाउंट से, यूज़र नेम से, ठीक है। तो जैसे ही आप रिप्लेस कर देंगे तो आपके सामने ये कमांड आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मेरी ईमेल आईडी और यूज़र नेम पेस्ट किया है। तो इस तरह से आपका जो है कमांड रेडी हो जाएगा। तो इसी कमांड को आपको पेस्ट करना है, ठीक है गाइस। तो चलिए मैं यहाँ पर इसे कॉपी कर लेता हूँ और सिंपल जाके हम पेस्ट कर देंगे। तो ध्यान रखिए आप अपना यूज़र नेम और अपना ईमेल आईडी ही कॉपी करें, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना है इसे और एंटर कर देना है। दैट्स इट, इतना आपका ये काम हो गया। अब बात आती है रोम डाउनलोड करने की, रोम सोर्स को डाउनलोड करने की। तो ये हमारा हो गया GitHub का कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद रोम डाउनलोड करने के लिए गाइस आपको करना क्या है, आपको कुछ बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए, जैसे गिट क्लोन क्या होता है, ब्रांचेस क्या होते हैं। तो यहाँ पर छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है आर्टिकल में, तो आप थोड़ा सा रीड कर लेना। गिट क्लोन करना यानी डाउनलोड करना, क्लोन करना, और -b का मीनिंग है ब्रांचेस, ठीक है।
अब आप नीचे की तरफ एक कमांड देख रहे होंगे, तो वो कहाँ से आया है Lineage का, तो उसे लेने के लिए गाइज रॉम सोर्स डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, रॉम सोर्स के ऑफिशियल रिपोजिटरी में जाना है। तो डेस्कटॉप मोड पे चले जाइए आप और यहाँ पर आपको लिखना है Lineage OS Git। आप कोई भी OS बनाना चाहते हैं सिंपली वो OS का नाम लिखिए और उसके आगे लिख दीजिए Git। उसके बाद आपको सामने मिल जाएगा Lineage OS GitHub का रिपोजिटरी, तो उसके ऊपर क्लिक कर देना है। हम यहाँ पर Lineage OS बना रहे हैं तो हम Lineage OS के अंदर जाएंगे। तो अब यहाँ पर आपको सारे रिपोजिटरीज मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है मैनिफेस्ट या फिर आप फाइंड कर सकते हो एंड्रॉयड। तो Lineage OS में ये एंड्रॉयड में लिखा हुआ होता है और बाकी सारे रॉम्स में ये मैनिफेस्ट नाम से भी लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं एंड्रॉयड, तो आप देख सकते हैं एंड्रॉयड मैंने फाइंड कर लिया है, तो उस पर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा और इस रिपोजिटरी को मैं ओपन कर लूंगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर एंड्रॉयड पे चले जाते हैं। तो जैसे आप एंड्रॉयड पे चले जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रांचेस में 17.0 है जो कि एंड्रॉयड क्यू का वर्जन है। तो हम यहाँ पर कंपाइल कर रहे हैं एंड्रॉयड पाई। ओके, तो एंड्रॉयड पाई कंपाइल करने के लिए आपको यहाँ पर ब्रांच को चेंज करना होगा। तो हम यहाँ पर ब्रांच नेम चेंज करेंगे, उसे करने के लिए आपको सिंपली ब्रांच पे क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको सभी ब्रांचेस मिल जाएंगे, अब तक जितने भी रॉम्स आए हैं जितने भी वर्जन्स आए हों सभी मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर Lineage OS 16.0 को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि एंड्रॉयड पाई का ब्रांच है। ठीक है, जैसे सिलेक्ट करोगे रिफ्रेश होगा आपका पेज और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रांच चेंज हो गया, अब 16.0 हो गया। अब आपको कमांड कहाँ मिलेगा, आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको दोनों कमांड यहीं पे मिल जाएंगे। आपको सबसे पहले इनिशियलाइज करना है रेपो को, उसके बाद सिंक करना है। इनिशियलाइज करना यानी कॉन्फ़िगरेशन करना, उसके बाद सिंक करना यानी कि डाउनलोड करना। ठीक है, तो जैसे ही आप देखेंगे इनिशियलाइज के नीचे ही आपको कमांड भी मिल जाएगा, तो उस कमांड को कॉपी कर लेना है। देख सकते हैं इस तरह से सिंपल इसे कॉपी कीजिए और अपने टर्मिनल में जाइए। ध्यान रखिए आप रॉम फोल्डर में ही होने चाहिए। उसके बाद आपको ये कमांड को पेस्ट करना है और एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करोगे तो ये फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पर देखिए कलर सेटिंग के लिए पूछेगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, वाई प्रेस करना है और एंटर कर देना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपकी रिपोजिटरी जो है वो इनिशियलाइज हो गई। अब आपको सिंक करना है यानी कि डाउनलोड करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको एक कमांड मिल जाएगी, आप यूज़ कर सकते हो। देख सकते हैं रेपो सिंक करने के लिए, तो आपको सिंपल रेपो सिंक नाम का जो कमांड है वो ले लेना है। देख सकते हैं ले लिया हमने और उसे पेस्ट करना है और एंटर कर देना है, तो आपका जो रिपोजिटरी है वो डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा Lineage OS के सोर्स को। तो ये गाइस 30-40 GB का अप्रॉक्स होता है, तो आपको वेट करना है जब तक ये डाउनलोड नहीं हो जाता, 15-20 मिनट लेगा डाउनलोड करने के लिए। तो डिवाइस सोर्स क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने कुछ आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो आप चाहे तो रीड कर लेना। डिवाइस सोर्स जो है वो मेनली चार कंपोनेंट से बना होता है, जो होता है डिवाइस ट्री, कर्नल ट्री, वेंडर ट्री एंड कॉमन ट्री। तो कॉमन ट्री सभी डिवाइस के लिए नहीं होता है, लेकिन जो डिवाइस ट्री, कर्नल ट्री और वेंडर ट्री होता है वो हर एक डिवाइस के लिए होता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कॉमन ट्री कुछ डिवाइस के लिए होता है, कुछ डिवाइस के लिए नहीं होता है। तो चलिए बताता हूँ कि कैसे क्या करना है आपको। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये चारों ट्रीज को मिलाकर हमारा जो डिवाइस सोर्स है वो बनता है, तो इसी से हम अपने रॉम को कंपाइल करते हैं और अपने फ़ोन के लिए कंपैटिबल बनाते हैं, तो वो रॉम हमारे फ़ोन में ठीक से वर्क करता है, ठीक से सारी चीज़ें काम करती हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिवाइस सोर्स क्या होता है। आप चाहे तो आर्टिकल रीड कर सकते हैं। तो गाइज, डिवाइस सोर्स को हम फाइंड कैसे करेंगे, तो वो भी मैंने यहाँ पर लिख के दिया है। अगर आपको डिवाइस ट्री को फाइंड करना है तो आपको डिवाइस कंपनी नेम एंड कोड नेम, डिवाइस / कंपनी नेम एंड कोड नेम, ये आपको सर्च करना है। तो ये आप कहाँ से ले सकते हैं, डिवाइस ट्री कहाँ फाइंड कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ, आपको जाना है github.com पे। यहाँ पर आपको सभी डिवाइस ट्री मिल जाती है जो भी अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पर हम github.com पे चले जाते हैं। आप चाहे तो XDA डेवलपर से भी ले सकते हैं, या फिर आपके फ़ोन के लिए किसी ने अगर रॉम बनाई है तो उस डेवलपर से भी आप उसकी ट्रीज जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि ओपन सोर्स है तो वो आपको दे देगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली पेस्ट करना है और आपको यहाँ पर देखिए आपकी डिवाइस ट्री जो है वो मिल जाएंगे। तो हर एक डिवाइस ट्री अलग होती है, एंड्रॉयड पाई की अलग होगी, एंड्रॉयड क्यू की अलग होगी, एंड्रॉयड नोगट, एंड्रॉयड मार्शमेलो, हर एक वर्जन की डिवाइस ट्री, कर्नल ट्री, वेंडर ट्री अलग अलग होती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेम ही आप हर जगह यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरी डिवाइस ट्री यहाँ पर मिल गई है ऑक्सीजन की, तो ये मेरा Mi Max 2 का फ़ोन है, तो इसके लिए यहाँ पर डिवाइस ट्री मिल गई।
ठीक है, तो ऐसे ही आपको फाइंड करना है। तो अब समझिए, हम Redmi Note 4 के लिए फाइंड करना चाहते हैं तो कोड नेम पे आपको फाइंड करना होता है, तो कोड नेम है मीडू। तो आप, अगर आपको आपके फोन का कोड नेम नहीं पता है तो आप गूगल से पूछ सकते हैं, वो आपको बता देगा। ठीक है, तो ऐसे आपको डिवाइस ट्री फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए, हमें Redmi Note 4 की भी यहाँ पर डिवाइस ट्री मिल गई। तो गाइस, ऐसे ही आपको कर्नल ट्री भी फाइंड करनी है। तो कर्नल ट्री फाइंड करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर डिवाइस को हटा के कर्नल लिख देना है। तो कर्नल Xiaomi एंड ऑक्सीजन या फिर मीडू, आपका जो भी कोड नेम है, जो भी कंपनी का नेम है, आपको वो टाइप करना है और एंटर कर देना है। तो आपको कर्नल ट्री भी मिल जाएगी। तो कर्नल ट्री यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर मीडू की कर्नल ट्री मिल गई है Redmi Note 4 की। तो इस तरह से आप कर्नल ट्री फाइंड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो कर्नल ट्री को फाइंड करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप कोड नेम से फाइंड कर सकते हैं, आपके फ़ोन के कोड नेम से, और दूसरा तरीका है चिपसेट से। तो ऑलमोस्ट जो आपकी कर्नल ट्री होती है वो चिपसेट पे ही होती है। जैसे MSM8953 मेरे फ़ोन का चिपसेट है, तो आप भी अपना चिपसेट गूगल से पता कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है गाइज वेंडर ट्री की बात। तो वेंडर ट्री भी आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, वेंडर और वेंडर स्लैश अपना जो फ़ोन का कंपनी नेम है वो, यानी कि Xiaomi मेरा फ़ोन है, तो उससे या फिर आप कोड नेम से। तो यहाँ पर आपको आर्टिकल में मिल जाएगा। तो ऐसे आपको फाइंड करना है वेंडर ट्री भी। ठीक है, तो लास्ट जो है वो है कॉमन ट्री। तो गाइज, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके फ़ोन के लिए कॉमन ट्री अवेलेबल है या नहीं है, या फिर आपके फ़ोन के लिए यूज़ होगी या नहीं होगी, तो वो आपको पता करने का बहुत ही सिंपल तरीका मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है गाइस, आपको अपने डिवाइस ट्री में जाना है। जो भी अपने डिवाइस ट्री फाइंड किए उस डिवाइस ट्री में आपको जाना है। तो मैं यहाँ पर मेरी डिवाइस ट्री में चला जाता हूँ। ओके गाइस, तो डिवाइस ट्री में आने के बाद यहाँ पर आपको एक फाइल मिलेगी जिसका नाम होगा डिपेंडेंसीज। तो यहाँ पर देखिए rom.dependencies लिखा होगा, या फिर aosp.dependencies, lineage.dependencies, कुछ भी लिखा हो सकता है, लेकिन .dependencies लिखा होगा। तो उस फाइल को आपको ओपन करना है। तो जैसे आप ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपके फ़ोन के लिए कॉमन ट्री है या नहीं। अगर यहाँ पर आपको दिखेगा कॉमन ट्री को क्लोन करना है, तो मतलब आपके डिवाइस के लिए कॉमन ट्री चाहिए। अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो समझ लीजिए आपके फ़ोन के लिए कॉमन ट्री यूज़ नहीं होगी। आप डायरेक्टली तीन ट्री का यूज़ करके बना सकते हैं, वरना आपको चार ट्री यूज़ करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ गया होगा कि कैसे हम ट्रीज को फाइंड करते हैं और हम अपने डिवाइस सोर्स को फाइंड कर लेते हैं। अब हमने डिवाइस सोर्स को फाइंड कर लिया है, अब बात आती है क्लोन करने की, यानी कि डाउनलोड करने की। अब हम अपने वर्चुअल मशीन में इसे डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तो हम क्लोन करेंगे डिवाइस ट्री को, उसके बाद कर्नल ट्री को, उसके बाद वेंडर ट्री को। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम चले जाते हैं हमारे डिवाइस ट्री में। तो मैंने यहाँ पर मेरे ही प्रोफाइल में सारी चीज़ें क्लोन करके रखी हुई हैं, तो यहाँ से ही मैं अपने वर्चुअल मशीन में क्लोन करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं डिवाइस ट्री, तो इसे मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान देने वाली हैं, एक होता है ब्रांच और एक होता है हमारा लिंक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं और एक चीज़ आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो अगर आपको ऑफिशियल सोर्सेज फाइंड करने, तो आप देखिए लाइन है जो है डिवाइस गिट टाइप करेंगे आप, तो एंटर करेंगे, तो यहाँ पर आप ऑफिशियल जो डिवाइस सोर्सेज होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं और उनसे भी रेफरेंस आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मैं मीडू का फाइंड करता हूँ, यानी कि Redmi Note 4। आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ कि ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें डिवाइस ट्री मिल गई, इसे अब ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए गाइज, ये जो डिवाइस ट्री है वो कैसी है और मेरी जो डिवाइस ट्री है वो कैसी है, अलग अलग है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये डायरेक्ट डिवाइस ट्री है मीडू की, और जो मेरी डिवाइस ट्री है उसके अंदर MSM कॉमन नाम का भी फोल्डर आपको दिखाई देगा, देख सकते हैं। इसका मतलब मेरे डिवाइस ट्री में कॉमन ट्री जो है वो इंक्लूडेड है। तो अगर ऐसा होता है तो आपको किस तरह से क्लोन करना है, और वैसा होता है तो आपको किस तरह से क्लोन करना है, वही मैं बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर ग्रीन पे क्लिक करके लिंक को कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आप ब्रांच भी देख लीजिए कौन सा ब्रांच है। ठीक है गाइस, क्योंकि ब्रांच से ही हम क्लोन करते हैं सारी चीज़ें, और देख सकते हैं। तो मेरा जो ब्रांच है वो है पिक्सल, और मैंने यहाँ पर लिंक जो है वो कॉपी कर ली है। अब हम क्लोन करेंगे अपने वर्चुअल मशीन में। तो यहाँ पर आपको रॉम डायरेक्टरी में ही रहना है। तो रॉम डायरेक्टरी में रहने के बाद आपको कमांड फॉलो करनी है। तो कमांड क्या होगा गाइस, गिट क्लोन। तो ये कमांड आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा, गिट क्लोन कीजिए, उसके बाद स्पेस देना है आपको,
लिंक को पेस्ट करना है, उसके बाद स्पेस डैश बी फॉर ब्रांच होता है स्पेस, उसके बाद आपको लिखना है ब्रांच। तो मेरा क्या था पिक्सल, तो मैं यहाँ पर पिक्सल लिख देता हूँ, उसके बाद स्पेस। तो अगर आपके डिवाइस ट्री में कॉमन ट्री इंक्लूडेड है तो आपको कहाँ पर क्लोन करना है, डिवाइस स्लैश शाओमी, यानी कि कंपनी नेम में। अगर कोड नेम है तो डिवाइस स्लैश शाओमी स्लैश ऑक्सीजन, यानी कि कोड नेम में। तो ये बात आप नोटिस कर ले, ये आपको नोट करनी है। तो यहाँ पर देखें क्लोन हो रही है हमारी डिवाइस से, और ये ज़्यादा बड़ी नहीं होती है इसलिए फटाक से क्लोन हो जाती है, इसमें आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। देख सकते हैं हमारी डिवाइस ट्री क्लोन हो चुकी है। तो मैंने आपको बताया, क्या बताया, अगर आप में कॉमन ट्री है तो आपको डिवाइस स्लैश शाओमी यानी कि कंपनी नेम में क्लोन करना है। अगर आप में कॉमन ट्री नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अगर डायरेक्ट ऐसे आपको डिवाइस ट्री आती है तो आपको क्या करना है, डिवाइस स्लैश शाओमी स्लैश कोड नेम, जो आपका फ़ोन का कोड नेम होगा उसके अंदर आपको क्लोन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप में एरर आ सकते हैं कंपाइल करते वक्त। ठीक है गाइस, तो हमने डिवाइस ट्री को यहाँ पर क्लोन कर लिया है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ डिवाइस ट्री हमने क्लोन जो कर ली है वो आपको पता चल जाएगा। आप जा सकते हैं सीडी कमांड का यूज़ करके, तो आप डायरेक्टरी में स्विच कर सकते हैं सीडी कमांड का यूज़ करके। तो वो कहाँ पर होगी, सीडी लाइनेज डिवाइस शाओमी फोल्डर में होगा, क्योंकि हमने उसी फोल्डर में क्लोन किया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले बैक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ। डिवाइस Xiaomi, ठीक है, एंटर कर देते हैं, ls कर देते हैं, और आप देख सकते हैं दोनों फोल्डर आ चुके हैं, जो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे डिवाइस ट्री में ये दोनों फोल्डर, अब मेरे वर्चुअल मशीन में भी ये दोनों फोल्डर आ चुके हैं, यानी कि प्रॉपर यहाँ पर क्लोन हो चुका है। ठीक है, तो आप एक बार चेक भी कर लेते रहना कि बराबर हो रहा है या नहीं। ठीक है, वैसे तो हो जाता है कमांड अगर आप प्रॉपर करेंगे तो, चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम क्लोन करेंगे कर्नल ट्री को, तो कर्नल ट्री क्लोन करेंगे, तो यहाँ पर हम कर्नल ट्री फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर मेरी कर्नल ट्री यहाँ पर है, देख सकते हैं। इसमें आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले तो आपको लिंक कॉपी करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम ब्रांच चेक कर लेते हैं, हैवॉक डैश पाए, ये हमारा ब्रांच होगा। यहाँ पर देखिए दो ब्रांचेस हैं, लेकिन मैं हैवॉक डैश पाए को यूज़ करना चाहूँगा। तो आपको पहले सबसे पहले ब्रांच देखना है, उसके बाद आपको लिंक कॉपी करनी है। तो लिंक कॉपी करने के लिए आपको यहाँ पर ग्रीन बटन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर देखिए कॉपी का आइकन है, उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको रॉम डायरेक्टरी में ही रहना है। ठीक है, तो रॉम डायरेक्टरी में जाइए, और हम चले जाते हैं रॉम डायरेक्टरी में सीडी। ठीक है, उसके बाद आपको गिट क्लोन करना है स्पेस देकर, और लिंक को पेस्ट करना है, उसके बाद स्पेस डैश बी फॉर ब्रांच, और हमारा ब्रांच क्या था, हैवॉक डैश पाए। तो हम यहाँ पर ब्रांच लिख देते हैं, हैवॉक डैश पाए। ठीक है, स्पेस देना है, फिर अब कहाँ पर क्लोन करना चाहते हो, तो हम कर्नल ट्री में क्लोन करेंगे, कर्नल स्पेस स्लैश शाओमी स्लैश MSM8953। ये मेरा चिपसेट है, काफ़ी बार चिपसेट में क्लोन करना पड़ता है, या फिर आप कोडनेम में क्लोन कर सकते हो, ये आपके डिवाइस ट्री पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से कन्फिगर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लोन कर देंगे इसे। तो गाइस, जो कर्नल ट्री होती है बहुत बड़ी होती है, तो उसे क्लोन करने में बहुत टाइम लग सकता है, तो थोड़ा वेट कर कीजिए। तब तक मैं यहाँ पर कर्नल ट्री हमने क्लोन कर ली है, अब हम वेंडर ट्री को भी ओपन करके रख लेते हैं, और यहाँ भी सारी चीज़ें चेक करके रख लेते हैं। यहाँ पर ब्रांच देख लेते हैं क्या है, तो यहाँ पर जो हमारा ब्रांच है वो है लाइनेज। यहाँ पर बहुत सारे ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगे, तो मैं यहाँ पर लाइनेज वाली यूज़ करूँगा, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पाई वाली ही होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कर्नल ट्री को थोड़ा टाइम लग गया, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती। ओके गाइस, तो यहाँ पर फाइनली हमारा कर्नल ट्री क्लोन हो चुका है प्रॉपरली, तो थोड़ा टाइम लगता है इसे क्लोन होने में, तो वेट करना है आपको। उसके बाद यहाँ पर देखिए वेंडर ट्री को हम कॉपी करते हैं लिंक को, और इसका हम ब्रांच चेक कर लेते हैं लाइनेज। अब चलते हैं क्लोन करने, तो क्लोन करने के लिए आपको सेम कमांड गिट स्पेस क्लोन और टैब दबा देना है,
स्पेस देकर फिर आपको टाइप करना है अपना लिंक पेस्ट करना है, उसके बाद स्पेस डैश बी फॉर ब्रांच, तो ब्रांच क्या था हमारा, स्पेस देकर हमें लिखना है, तो ये है हमारा लाइनेज, ठीक है स्पेस। अब यहाँ पर हम किस कहाँ पर क्लोन करेंगे, वेंडर है तो वेंडर वेंडर फोल्डर में ही जाएगा, तो वेंडर लिखेंगे उसके बाद स्लैश शाओमी। तो यहाँ पर भी देखिए वेंडर ट्री हमने वेंडर स्लैश शाओमी में क्लोन किया है, क्योंकि हमारे वेंडर ट्री में कॉमन ट्री भी है। अगर कॉमन ट्री नहीं होता तो हम इसे वेंडर स्लैश शाओमी स्लैश कोडनेम फोन का जो आपका होगा वहाँ पर हम क्लोन करते, ठीक है। तो ऐसे आपको क्लोन करना है, तो यहाँ पर हमारा जो क्लोन है वो भी हो गया होगा, क्योंकि वेंडर ट्री भी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। तो आपको समझ गया होगा कि कैसे हमें क्लोन करना है वेंडर ट्री को, तो वेंडर स्लैश शाओमी वेंडर फोल्डर में आपको डालना होता है अगर कॉमन ट्री होती है तो, अगर कॉमन ट्री नहीं होती तो आपको कोड नेम में क्लोन करना होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखे तीनों ट्रीज को जो है वो क्लोन कर लिया है। अगर आप में कॉमन ट्री अलग से है तो वो भी आप क्लोन कर लीजिए यही कमांड का यूज़ करके, बहुत सिंपल है। तो एक बार आपके सभी ट्रीज जो है वो क्लोन हो जाती है प्रॉपरली, तो आप अपने डिवाइस ट्री को फिक्स करेंगे, उसके बाद कंपाइल स्टार्ट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू योर रॉम, तो जो रॉम आप बनाना चाहते हैं उस रॉम के अकॉर्डिंग आपको आपके डिवाइस ट्री को जो है फिक्स करना है। तो गाइस डिवाइस ट्री फिक्स करने के लिए मैं आपको इस वीडियो में स्टेप्स बताने वाला हूं, तो आपको सिंपली फॉलो करते जाना है कि क्या कैसे करना है। तो पिछले वीडियो में हमने रॉम सोर्स डिवाइस सोर्स के बारे में जान लिया था, अब हम करने वाले हैं अपने डिवाइस ट्री को फिक्स। तो डिवाइस ट्री को फिक्स करने के लिए आपको सबसे पहले डिवाइस ट्री में जाना है, तो डिवाइस ट्री में जाने के लिए आप सीडी कमांड का यूज कर सकते हो, सीडी डिवाइस शाओमी ऑक्सीजन। तो मैं अपने डिवाइस ट्री में आ जाता हूं, तो एलएस करके दिखा देता हूं, देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने डिवाइस ट्री में। तो आप अपने डिवाइस ट्री में चले जाइए, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको चार फाइल्स जो है वो मॉडिफाई करनी है, रीनेम करनी है, मॉडिफाई करनी है, ओके गाइस। तो ये सारी चीज़ें मैं कैसे करनी है आपको वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देख सकते हैं मेरी वेबसाइट पर ये चारों फाइल्स के नाम मैंने यहाँ पर लिख के दे दिया है, तो आपको इन्हीं चारों फाइल्स को मॉडिफाई करना है, रीनेम करना है, तो आपका जो डिवाइस ट्री है वो फिक्स हो जाएगा और आप कोई भी कंपाइल रॉम जो है वो बना पाएंगे अपने डिवाइस के लिए। तो जैसे हम लाइनेज ओएस बना रहे हैं, तो हम लाइनेज ओएस के लिए लाइनेज ओएस डिवाइस गिट रिपोजिटरी में चले जाते हैं, तो आप ऐसे ही रिपोजिटरीज का यूज़ कीजिए। आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं कि ऑफिशियल डिवाइस सोर्सेस जो हैं, डिवाइस ट्रीज जो हैं, वो किस तरह से सेट की गई हैं, किस तरह से मॉडिफाई की गई हैं इन फाइलों से। जैसे हम जो चार फाइल्स मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो हम वो चार फाइल्स यहाँ पर चेक करेंगे कि कैसे उन्हें रीनेम किया गया है और क्या क्या मॉडिफिकेशन उस चार फाइल्स में की गई हैं। तो यहाँ से आप वो सारी चीज़ें देख सकते हैं किसी की भी डिवाइस ट्री को देखकर, ऑफिशियल डिवाइस ट्री को देखकर। तो चलिए हम चारों फाइल्स को यहाँ पर मॉडिफाई करते हैं। तो मॉडिफाई करने के लिए हमें अपने टर्मिनल में जाना है और मॉडिफाई करना है, तो मुझे पता है कि कैसे मॉडिफाई करना है, तो मैं आपको मॉडिफाई करके दिखा देता हूँ, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हैं लाइनेज ओएस जो है यहाँ से आप मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम मॉडिफाई करते हैं। तो मॉडिफाई करने के लिए सबसे पहले जो फाइल है वो है रॉम डॉट डिपेंडेंसीज, तो उसके लिए गाइस हम एमवी कमांड का यूज़ करेंगे स्पेस। तो यहाँ पर देखिए डॉट डिपेंडेंसीज नाम की फाइल है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर रॉम डॉट डिपेंडेंसीज लिखा है और यहाँ पर सभी कमांड्स आपको मिल जाएगा जो भी मैं वीडियो में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पर जो मेरे डिवाइस ट्री में है उसका नाम है aosp.dependencies, तो मैं यहाँ पर aosp.dependencies लिखूंगा पहले। ध्यान रखिए mv कमांड का यूज़ मूव करने में और रीनेम करने में दोनों में यूज़ होता है। तो यहाँ पर आपको mv कमांड टाइप करके स्पेस देना है, फिर aosp.dependencies लिखना है, उसके बाद आपको जो lineage os को जो नाम देना है वो दे दीजिए। तो हम यहाँ पर lineage.dependencies दे देंगे, तो अपने रॉम के अकॉर्डिंग आपको इसको चेंज करना होता है। तो आप इनके ऑफिशियल सोर्सेस से पता लगा सकते हैं कि उन्होंने क्या नाम दिया है, तो उस तरह से आप अपने डिवाइस ट्री को नाम दे सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ls करके दिखा देता हूँ, देख सकते हैं लाइनेज डॉट डिपेंडेंसीज करके एक फाइल यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब सेकेंड फाइल की तरफ चलते हैं, तो सेकेंड फाइल है हमारी डॉट mk फाइल, तो यहाँ पर हम उसे भी रीनेम करेंगे। तो रीनेम करने के लिए सेम वही चीज़ mv कमांड का हम यूज़ करेंगे और aosp/_oxygen.mk, तो इसे हम नाम दे देंगे lineage_oxygen.mk, ठीक है। उसके बाद ls करके दिखा देता हूं, देख सकते हैं lineage
oxygen.m के नाम की फाइल आ गई। इसके बाद थर्ड जो फाइल है उसे हमें ओपन करना होगा जो है androidproducts.mk। तो यहाँ पर हम नैनो कमांड का यूज़ करेंगे, नैनो androidproducts.mk टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। ध्यान रखिए android.mk में A कैपिटल है और P कैपिटल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी एक फाइल है, तो इसे भी हम रीनेम करेंगे। देखिए जहाँ पर AOSP लिखा है वहाँ पर मैं lineage कर रहा हूँ, और इसे सेव करने के लिए तो देखिए मैं यहाँ पर lineage कर देता हूँ। ओके, इसके बाद आपको सेव करना है कंट्रोल ओ, ठीक है। तो कंट्रोल ओ करेंगे, एंटर करेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। ये भी कमांड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर एक और फाइल है जो है नैनो वेंडर सेटअप डॉट एस एच, तो वेंडर सेटअप डॉट एस एच को हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको AOSP नाम का लेटर दिखेगा, तो उसे हम कट करेंगे और यहाँ पर भी हम लाइनेज लिख देंगे। अगर आप में वेंडर सेटअप डॉट एस एच की फाइल नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हैं और ये लाइन मेरे वेबसाइट से ले सकते हैं। तो इसे भी सेव कर दीजिए, सेव करने के लिए कंट्रोल ओ एंटर, कंट्रोल एक्स, खत्म। ओके, तो यहाँ पर देखिए मॉडिफाई हो चुकी है। अब लास्ट जो फाइल है उसे आपको ओपन करना है, वो है नैनो जो आपने मॉडिफाई की थी, रीनेम की थी, lineage_oxygen.mk, उसे हम ओपन करेंगे, यानी कि एम के फाइल को ओपन करेंगे। देखिए यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर देखिए एक फाइल आपको दिखेगी जिसका नाम पाथ दिखेगा, पाथ वेंडर का पाथ होता है वो, तो उसे आपको सेट करना होता है। तो यहाँ पर आपको vendor/AOSP लिखा हुआ दिखेगा, तो देख सकते हैं AOSP लिखा हुआ, तो इसे AOSP का हटा के lineage कर दीजिए। और थोड़ा नीचे कीजिए, यहाँ पर आपको AOSP_oxygen दिखेगा, तो यहाँ पर भी आपको lineage_oxygen कर देना है। यानी कि आपको गाइस फिक्स करना है डिवाइस ट्री को अकॉर्डिंग टू योर रॉम। तो जो भी रॉम आप यूज़ कर रहे हैं, बनाना चाहते हैं, तो वो रॉम को आपको फिक्स करना है अपने डिवाइस ट्री में। तो रॉम को पता चल जाता है कि रॉम सोर्स को पता चलता है कि आपका डिवाइस आप ये रॉम बनाने के लिए कंपेटिबल है। तो गाइस सेव करना है इस फाइल को भी, दैट्स इट गाइस। यहाँ पर हमारा जो डिवाइस ट्री है प्रॉपर फिक्स हो चुका है। तो आपको अगर वीडियो फास्ट लगती है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर मेरे आर्टिकल में हर एक चीज़, हर एक पॉइंट प्रॉपर यहाँ पर बताया है कि क्या क्या हमने कैसे कैसे चेंज किया है। तो यहाँ से आप रेफरेंस ले लीजिए, ठीक है गाइस। तो ये कुछ तरीके हैं गाइस आपको डिवाइस ट्री फिक्स करने के। आप अगर रिजरेक्शन रिमिक्स रॉम बनाना चाहते हैं तो आपको RR.dependencies करके आपको चेंज करना होता है। तो अलग अलग रॉम का अलग अलग नेम से आपको सेव करना होता है। तो यहाँ पर आपको सभी कमांड्स मिल जाएंगे और उन्हें कैसे सेट करना है और कैसे उन्हें रिनेम करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। अपनी डिवाइस ट्री को जो है लाइनेज से प्रॉपर सेट कर लिया है, डिवाइस ट्री फिक्स कर लिया है। अब हमारी बारी आती है यहाँ पर जो है रॉम को कंपाइल करने की, यानी कि हम अपना रॉम अब स्टार्ट करते हैं कंपाइल करना। तो उसे करने के लिए यहाँ पर आपको सभी कमांड्स जो है मिल जाएंगी, तो हम एक एक करके फॉलो करेंगे। तो पहले हम cd कमांड डालेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे, उसके बाद cd lineage यानी कि अपने रॉम डायरेक्टरी में चले जाएंगे हम। ओके, इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर देखिए हमने cd डाला, उसके बाद cd lineage डाला। तो अब हम थर्ड कमांड डालेंगे, वो है build environment setup। तो इसे हम पेस्ट करेंगे यहाँ से और एंटर कर देंगे, ये SSH फाइल्स को रन करेगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर एक कमांड आपको मिलेगी, वो है कैचेस। तो ये कैचेस आपको हेल्प करेंगे, अगर कोई एरर आती है तो बिल्ड वापस जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, जहाँ तक आपका बिल्ड हुआ है वहाँ से ही स्टार्ट होगा। तो ये आपको हेल्प करेगा, तो इसे हम पेस्ट करके एंटर कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद गाइज आपको जो है वो कमांड फॉलो करने हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सारे कमांड हैं, तो हम अब लंच करेंगे, लंच के बाद ब्रंच करेंगे। तो ये सभी कमांड्स होते हैं गाइज, तो यहाँ पर हम डालेंगे, यहाँ पर हम सिंपली मैन्युअली टाइप भी कर सकते हैं। तो लंच करेंगे हम यहाँ से टैब दबाते जाना है, फिर _oxygen.oxygen user debug। ओके, तो एंटर कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर हमारा सेट हो चुका है डिवाइस। उसके बाद यहाँ पर ब्रंच करने को बोलेगा, तो हम ब्रंच करेंगे। तो यहाँ पर भी कमांड आपको मैंने दे दिया है, आप ब्रंच या फिर मेक बेकन भी यूज कर सकते हो, जो आप चाहें। तो मैं यहाँ पर ब्रंच यूज करता हूँ, पेस्ट ही कर देता हूँ डायरेक्ट और एंटर कर देता हूँ।
और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो है कंपाइलेशन जो है स्टार्ट हो जाएगी। ये आपके वर्चुअल मशीन पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा। तो ये मोस्टली जो अगर 8GB रैम वाला आप यूज़ करें तो मोस्टली ये 2 घंटे लेगा, और जल्दी भी हो सकता है अगर कोई एरर ना आए तो। तो यहाँ पर गाइज आपके टोटली जो है वो आपके सर्वर पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा। आपको ज़्यादा भी टाइम लग सकता है अगर आपका सर्वर का स्पीड जो है वो कम होगा। तो मैं यहाँ पर AWS का यूज़ कर रहा हूँ जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था। तो यहाँ पर देखिए कंपाइलेशन स्टार्ट हो गई है, अभी तक हमारी फाइल्स को चेक कर रहा है, अभी ये कंपाइलेशन स्टार्ट नहीं हुई है। अभी ये सारी फाइल्स को चेक करेगा, फाइल्स चेक करने के बाद कंपाइलेशन 0 से 100% के बीच में आपकी स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट करते हैं जब तक हमारी कंपाइलेशन 0 से स्टार्ट हो नहीं जाती। ओके गाइज, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो कंपाइलेशन है स्टार्ट हो गई है। तो ये 0 से स्टार्ट होगी और यहाँ पर आपको देख सकते हैं आप 90,000 के ऊपर फाइल्स है, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो कंपाइलेशन है वो स्टार्ट कर देगा। जो कंपाइल हो चुका है सक्सेसफुली, तो हम चले जाते हैं बाहर और हम इस वीडियो में करने वाले हैं रोम को अपलोड अपने गूगल ड्राइव के अकाउंट पर। तो आपको कैसे करना है गूगल ड्राइव पर अपलोड, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सीडी कमांड डाल के आप होम डायरेक्टरी के बाहर आ जाइए, यानी कि अपने रोम डायरेक्टरी से हम बाहर आ जाते हैं। उसके बाद गाइज मैं आपको बताऊंगा कि गूगल ड्राइव पे हम कैसे अपने रोम फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर सक्सेसफुली रोम कंपाइल हो चुका है। तो आपको गूगल ड्राइव पर अपलोड करने के लिए यहाँ पर मेरी वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर आपको सभी कमांड्स जो है मिल जाएंगे, वन बाय वन आपको डालना है। तो देख सकते हैं हमने सीडी कमांड डाल दिया है और अब हमें जो नेक्स्ट कमांड है वो यहाँ से कॉपी करना है और हमें अपने टर्मिनल में पेस्ट करना है। तो कमांड से गाइज हम पहले गूगल ड्राइव को कन्फिगर करेंगे अपने टर्मिनल में, उसके बाद हम रोम फाइल को अपलोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले कन्फिगर कर लेते हैं अपने गूगल ड्राइव को। तो यहाँ से मैं सिंपली कमांड वन बाय वन कॉपी करके पेस्ट। ओके गाइस, तो यहाँ पर जी ड्राइव लिस्ट नाम का एक कमांड है, तो इसे हम कॉपी करेंगे। इसे कॉपी करने के बाद जब आप पेस्ट करेंगे तो आपके सामने एक वेरिफिकेशन लिंक आएगा, तो आपको उसे कॉपी करना है। देख सकते हैं यहाँ पर एक वेरिफिकेशन लिंक आ गई है, तो आपको सिंपली स्क्रीन को प्रेस करके रखना है एक बार और उसके बाद यहाँ पर कॉपी पे क्लिक करना है और थोड़ा वेट कीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे सामने आ जाएगा पूरा टेक्स्ट। तो यहाँ पर स्क्रीन को एक बार टच करना है आपको, यहाँ पे पूरा मार्क होता है तो आपको पूरा मार्क नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिंक है, तो इसे लिंक को आपको कॉपी करना है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, तो इस लिंक को हम पूरा कॉपी कर लेंगे और आपको जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र में या फिर कोई भी ब्राउज़र में। तो हम यहाँ पर क्रोम यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर न्यू टैब में जाता हूँ और यहाँ पर लिंक को आपको पेस्ट कर देना है और एंटर कर देना है। आपको जो ईमेल आईडी पे आपकी रोम फाइल को अपलोड करना है गूगल ड्राइव पे, वो सिलेक्ट कीजिए, अलाउ कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर एक कोड मिल जाएगा, तो उसे आप कॉपी कीजिए और इस कोड को आपको डालना है टर्मिनल में और एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आपका जो गूगल ड्राइव है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है प्रॉपरली। तो अब आप इसमें जो है अपने रोम फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए बता देता हूँ, देख सकते हैं गूगल ड्राइव का फोल्डर भी यहाँ पर अब आ चुका है। ठीक है, तो चलिए अब रोम फाइल को अपलोड करते हैं। तो किस तरह करना है, तो रोम फाइल को अपलोड करने के लिए पहले आपको रोम डायरेक्टरी में जाना होगा जहाँ पर आपकी रोम है। तो रोम डायरेक्टरी कहाँ है, तो हम सीडी लाइनेज करेंगे और उसके बाद आउट टारगेट प्रोडक्ट, उसके बाद ऑक्सीजन। तो मेरा डिवाइस का कोड नेम है ऑक्सीजन, तो मैं ऑक्सीजन में चला जाऊंगा
तो ये पाथ है गाइस आपके रॉम फोल्डर का। तो ये रॉम फोल्डर का पाथ आपको मिल जाएगा मेरी वेबसाइट पर भी, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपकी रॉम रेडी है, तो आउट टारगेट प्रोडक्ट ऑक्सीजन फोल्डर में आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉपी को क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको एक बार वापस टच करना है स्क्रीन को, उसके बाद आप पर रॉम फाइल जिप आपको दिख जाएगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ये वाली, तो इसे आप कॉपी कर लीजिए, लाइनें जो है हमारी रॉम फाइल। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है जी ड्राइव स्पेस अपलोड स्पेस और आपकी रॉम फाइल का नाम पेस्ट करके आपको एंटर कर देना है। तो जैसे आप एंटर करोगे आपकी रॉम फाइल अपलोड होना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए 10 Mbps का स्पीड आपको मिलेगा, तो ये आपके मोबाइल इंटरनेट का स्पीड नहीं है, ये है आपके सर्वर का स्पीड। तो इंटरनेट आपका जो है वो सर्वर का यूज़ होगा, ना कि आपके एंड्रॉयड फ़ोन का। तो एंड्रॉयड फ़ोन का इंटरनेट सिर्फ आपको इस SSH टर्मिनल से कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है गाइस। तो इस बात को मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि यही मुझे बहुत लोग पूछ रहे थे कि भाई हमारा डेटा यूज़ होगा या नहीं। तो गाइस सिर्फ आपका डेटा जो है इस टर्मिनल को आपके फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसमें आप जो भी डाउनलोड करते हैं वो सर्वर के इंटरनेट से डाउनलोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा अपलोड हो रहा है। ओके गाइस, तो यहाँ पर देखिए अपलोड हो चुका है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने गूगल ड्राइव पे और देखते हैं कि हमारी फाइल जो है वो आ चुकी है या नहीं। तो यहाँ पर गूगल ड्राइव को ओपन कर लेता हूँ। उसी ईमेल आईडी से आपको लॉगिन कर लेना है जिस ईमेल आईडी को आपने गूगल ड्राइव के लिए परमिशन दी थी। तो यहाँ पर आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ आपकी रॉम फाइल आ चुकी है। तो इस रॉम फाइल को मैं पहले मूव कर लेता हूँ, और यहाँ पर रॉम्स फोल्डर है तो उसमें मैं मूव कर लेता हूँ। ये क्यों कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि हमें लिंक लेने के लिए आसानी होती है। उसके बाद हम रॉम को जाएंगे और यहाँ पर देखिए लिंक शेयरिंग ऑन करेंगे। लिंक शेयरिंग ऑन करना है आपको, ऑफ होगा तो ऑन करने के बाद आप लिंक को ऐसे लिंक कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ऐसे कॉपी लिंक। उसके बाद आप कोई भी क्रोम ब्राउजर में उस लिंक को कॉपी करेंगे यानी कि पेस्ट करेंगे, तो आपके सामने आपकी रॉम फाइल आ जाएगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ये वाली। तो इसे आप क्लिक कीजिए, डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, और यहाँ से आप अब अपनी रॉम फाइल डाउनलोड करके फ्लैश कर सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना है। इस वीडियो में हमने देखा कि हम अपनी रॉम फाइल को किस तरह से अपलोड कर सकते हैं गूगल ड्राइव पर। तो इसका यूज़ करके आप अब अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो रॉम फाइल को और फ्लैश कर सकते हो। अगर आप फ्लैशिंग नहीं जानते तो वो भी मैंने मेरे वीडियो के आर्टिकल के नीचे डाल दिया है कि किस तरह से फ्लैश करना है वगैरह वगैरह, उन सभी की लिंक मैंने आपको दे दी है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी एरर आता है, तो आपको मैंने यहाँ पर 4-5 एंड्रॉयड डेवलपमेंट के जो टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं उनके भी लिंक दे दिए हैं। आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने एरर को उन्हें बता सकते हैं, तो वो भी आपकी हेल्प करेंगे। तो ये आर्टिकल आपके काफ़ी काम आएगा, तो आप रीड कर लीजिए या फिर आप बुकमार्क करके इस आर्टिकल को रख लीजिए, क्योंकि ये अगर आप रॉम कंपाइल करते हैं तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारा जो वर्चुअल मशीन है 16.04, तो उसके अंदर पाइथन अपडेट करने को बोलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला एरर हमें देखने को मिलता है कि आपका पाइथन जो है वो नो लॉन्गर सपोर्ट है, मतलब अब ये सपोर्ट नहीं करता है, तो उसे आपको अपडेट करना होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे अपडेट करना है और कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स करना है। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं करना है, कमांड्स को फॉलो करना है। तो हम पहले अपने पाइथन को देखेंगे क्या हमारा वर्जन है क्या है। तो यहाँ पर आपको सिंपल टाइप करना है पाइथन स्पेस --version। तो यहाँ से आप अपने पाइथन का वर्जन चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कमांड डालकर एंटर करते हैं और आप देखेंगे 2.7 वाला जो है वो पाइथन इंस्टॉल है, लेकिन हमें जो अपडेट करना है वो है पाइथन 3 का। तो पाइथन 3 हम वर्जन पहले चेक कर लेते हैं, तो उसके लिए आपको पाइथन 3 स्पेस --version आपको एंटर करना है। तो आपको पाइथन 3 का वर्जन भी दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं।
ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.5 वाला है, तो ये गाइस अब ओल्ड हो चुका है, तो अब हम इसे अपडेट करेंगे 3.7 में। तो वो कैसे करना है वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको कमांड की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आर्टिकल मिल जाएगा, वहाँ पर आपको ये सभी कमांड्स मिल जाएंगे। तो सिंपली वन बाय वन आपको कॉपी पेस्ट करते जाना है और आपका सॉल्व हो जाएगा सारे प्रॉब्लम। चलिए हम कॉपी कर लेते हैं पहले, तो हम पहले रिपोजिटरी को क्लोन करेंगे यहाँ से सिंपल, तो यहाँ पर पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद फिर से आपको एक बार एंटर करना है। ओके, डन हो गया गाइस ये। इसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड जो चीज़ है वो यहाँ पर है, तो आपको अपने पैकेजेस को अपडेट करना है। मैंने पहले ही कर चुके थे लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर करूँगा आपके लिए। तो यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो जो भी नई चीज़ें आई होंगी वो अपडेट भी हो जाएंगी आपके पैकेजेस। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपडेट किया हुआ था, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये कमांड्स है, दो कमांड्स। तो इसको सबसे पहले हम 3.6 को क्लोन करेंगे, यानी कि 3.6 वाले को हम पहले डाउनलोड करेंगे, पाइथन 3.6। ओके, फिर आपको वाई प्रेस करके एंटर कर देना है, तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, जल्द ही हो जाएगा। ओके, हो गया। इसके बाद आपको 3.7 वाला भी डाउनलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कमांड भी ले लेते हैं, तो ये पाइथन 3.7 जो है वो अब हम यूज़ करने वाले हैं। वाई प्रेस कीजिए, एंटर कीजिए। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये भी हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें और एक पैकेज इंस्टॉल करना है जो है पिप का, तो PIP वगैरह, तो ये आपको क्लोन करना है। तो इसे आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, सिंपल कॉपी कीजिए और जाके इसे इंस्टॉल कर लीजिए। सेम आपको यहाँ पर भी वाइप एंटर करना है और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। डन गाइस, तो यहाँ पर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब पहले हम 3.6 को बाय डिफ़ॉल्ट सेट करेंगे, उसके बाद 3.7 को बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं इसको, तो आप जो चाहे वो यूज़ कर सकते हो, अगर आप 3.6 यूज़ करना चाहते हो तो भी यूज़ कर सकते हो, तो लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लेटेस्ट ही यूज़ करें। तो पहले हम 3.6 को बाय डिफ़ॉल्ट सेट करेंगे और एंटर करेंगे, ज़्यादा कुछ होगा नहीं गाइस यहाँ पर। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, 3.7 वाले को यहाँ पर कॉपी करते हैं। ध्यान रखिए कमांड्स आपको प्रॉपर कॉपी करना है वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं और यहाँ पर सिंपल एंटर कर देंगे। तो गाइज यहाँ पर अगर आप एंटर कर देते हैं तो आपका जो वर्चुअल मशीन है उसके अंदर पाइथन 3.7 सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो अगर हमने जो पहले देखा था 3.5 था, तो अब वहाँ पे आपको 3.7 दिखना चाहिए। तो देखते हैं हम चेक करके पाइथन 3 का वर्जन। तो पाइथन 3 का वर्जन चेक करने के लिए पाइथन 3 स्पेस -- वर्जन आपको टाइप करना है। तो ये सब भी कमांड्स आपको मेरे आर्टिकल में मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर अब आप देख सकते हैं 3.7 इंस्टॉल हो चुका है और आपका जो प्रॉब्लम है वो अब सॉल्व हो जाएगा, आपको एरर अभी नहीं आएगा। तो यही था गाइस इस वीडियो में। तो यहाँ पर इस तरीके से आप जो है पाइथन को अपडेट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और सभी कमांड्स आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी मेरे आर्टिकल की, वहाँ पर आपको सभी कमांड्स मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आपका यहाँ पर पाइथन भी अपडेट हो चुका है, अब आप आराम से कस्टम रॉम्स को बना सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं। तो बस गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।